लड्डू दी स्पेशल दाल फ्राई। अंकल क्या खास बात है, आपका बड़ा नाम सुना हमने। यार है जी हमारा, और क्या, और कुछ नहीं हमारा। अच्छा, एक दाल बन रही है जी 50 ग्राम में। 50 ग्राम में एक दाल। अच्छा, बाहर का रश देखो, और लाइन में खड़े होके बंदे यहाँ से लेके जाते हैं। अब ये गई दाल, जो अपनी वो लंगर वाली दाल वही होती है अंकल ये? अच्छा, ये देखो मैंने लगातार 3 साल तो मैंने लगातार खाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम हैं आज रोहतक में, और अभी पहुंच गए हम भिवानी शेंडे, ये जगह का नाम है। और यहाँ पे एक दाल बड़ी पॉपुलर है, लड्डू की दाल। चलो वो आपको बताते हैं, वो लड्डू की दाल दिखाते हैं रोहतक में, उसका रेट बताते हैं। वो इस जगह नाम है भिवानी शेंडे, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। वो आ रहा है आपका रेलवे रोड, वहाँ से रेलवे रोड आया, और जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है मेरी, इसको बोलते हैं भिवानी स्टैंड। हाँ, भिवानी स्टैंड जगह, ऊपर से फ्लाई ओवर गया हुआ है, ये चौक है भिवानी स्टैंड का। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारी दुकानें हैं, रॉयल पान, लुधियाना कुल्फी वाला, ये भी बड़ा पॉपुलर है कुल्फी के लिए, और इनमें से उधर लेके चलता हूँ, वहाँ पे है। तो काफ़ी सारी दाल की दुकान है। चौक पे देखो आपको 3-4 वेज ढाबे मिलेंगे, ये वाला है, ये है, और ये, इनमें से ये वाला है लड्डू, लड्डू दी स्पेशल दाल फ्राई। मतलब और भी बनाते हैं, लेकिन दाल फ्राई सबसे इसकी इनकी पॉपुलर है। वो अंकल है लड्डू, रश देखो चौक पे, रश देखो इनके पास खड़े होने का। ये आपको इतना रश है कि पहले बाहर ही टोकर कटाओ। और ये है मेन्यू, लो जी ये दाल फ्राई का मेन्यू है। चलो अंकल के पास चलते हैं। अंकल जी नमस्कार। लो जी ये स्टार्ट हो गया अंकल की दाल प्रिपरेशन। सबसे पहले डाला मक्खन, पूरा मक्खन में प्याज और मिर्च को फ्राई किया अंकल ने। अंकल क्या खास बात है, आपका बड़ा नाम सुना हमने। प्यार है जी हमारा, और क्या, और कुछ नहीं हमारा। अच्छा, अच्छा आपका प्यार है। इतने साल से बना रहे, प्यार ही कर रहे हैं, हम लोगों का प्यार है। और हाँ जी, ये देखो जी बाहर का रश देखो, और लाइन में खड़े होके बंदे यहाँ से लेके जाते हैं। पहले तो अंकल ने फ्राई कर दिया मक्खन में प्याज, और बताएंगे क्या बताएंगे। हाँ खाओगे, ले जाओगे, लेके जाना अंकल जी, पैक करना है तो इसको ले लीजिए। रोटी टमाटर गया, एक दाल बन रही है जी 50 ग्राम में। 50 ग्राम में एक दाल। अच्छा, मटर एक दाल सिंगल। धनिया हरी मिर्च बढ़िया से पका रहे अंकल, और प्यार है अंकल कह रहे हैं, प्यार है आप सबका, और अंकल का प्यार इस वजह से ये पॉपुलर है। आप कितने बढ़ेंगे, अपनी आँख और अपने कपड़ों का ध्यान रखना। हमारे कपड़े तो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। मतलब ये ना ड्राई क्लीन करवाते हैं, घर पे ही हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं होगा, साफ हो जाते हैं घर पे। ओके ओके ओके। अब ये गई दाल, जो अपनी वो लंगर वाली दाल वही होती है अंकल ये? अच्छा अच्छा, एक दाल दाल है, रोटी भी है जी। देखो जी फिर से रश, अंकल कितने साल से है अपनी शॉप ये? हम हैं जी 1950 से, 72 साल हो गए हैं। 72 ईयर से अंकल हैं, बताओ यहीं पे इसी लोकेशन पे? इसी लोकेशन पे, पहले आगे बढ़े थी, दो बार दुकान टूट चुकी है। हम वहाँ पे जाओ, गाड़ी गड़ी एक्टिवा गड़ी है ना। हाँ जी हाँ जी, एक्टिवा अगला पहिया है। हाँ हाँ, वहाँ तक गया। अरे उसके बाद ये जैसे जैसे रोड छोड़े हुए तो पीछे होते गया। एक बार हुई, फिर दो बार हुई, फिर तीसरी बार। अच्छा अच्छा, लो ये तैयार हो गई है हमारी दाल, ये ऊपर से मसाला जा रहा है। ये स्पेशल मसाला है भैया आपका? हम खुद पिसवाते हैं इसको। अच्छा, जा मसाले को खुद पिसवाते हैं। ओके, दाल फ्राई बनने के बाद फिर उसके ऊपर मसाला डाला जाता है। अच्छा अच्छा, उसी का टेस्ट है मेन। तो ये था अंकल का मेन दाल फ्राई, लड्डू दाल फ्राई।
भिवानी स्टैंड के ऊपर। देखो फिर से गया मक्खन पूरे 50 ग्राम, 50 ग्राम बताया ना अंकल ने, एक दाल में 50 ग्राम मक्खन। अच्छा भाई 250 ग्राम डाला, 5 दाल के लिए। ये प्यार है अंकल का और बहुत ही। और ये आपके यहाँ पे रोटियाँ भी है और मेन्यू में मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी कुछ है लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपकी दाल। अच्छा अंकल पहले फादर जी, फादर साहब करते थे, फिर आप सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बेटा बेटा जी भी आ गए, तीसरी पीढ़ी आ गई है। ओके ये अपने वो लग रही है तंदूर रोटियाँ। ओके इस तरह से है। थैंक यू अंकल, थैंक यू भैया। पतीले ने बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये तंदूर है। हमारी 3 दाल 12 रोटियाँ आ गई है, अब घर जाके इसको रिव्यू टेस्ट करके बताएंगे। सिंपल और हमने रेसिपी तो दिखा दी आपको, घर जाके इसको रिव्यू करके बताते हैं कैसा टेस्ट है। दाल विद हरी मिर्च आ गई जी, दीवार दाल अनपैकिंग हो रही है। ये देखो ये वहाँ पे सिटिंग भी, आप पैक करा के लेना तो ऐसे पैक करके दे देंगे, वहाँ पे आपको बैठ के खाना है। 120 रुपये का ये बॉक्स है, ये क्वांटिटी है, लगभग एक कटोरा होता है, दो बंदे खा सकते हैं एक में। और ये उसने हमारे सैलेड दी है और ये चपातियाँ हैं जो उससे ले गए हम। चपाती का क्या रेट था वतन? 10 रुपये एक चपाती है। तो खा के बताते हैं, फीडबैक देते हैं अपना रिव्यू। मामा श्री वेट पे हैं। मामा तो आप तो बहुत पुराने खा रहे हो। मैं लगातार 3 साल तो मैंने लगातार खा रहे लगातार, इतनी बढ़िया टेस्टी खाना था तो, और सब्जी छोड़ के दाल तो स्पेशल होता था, चलो दूध की दाल है। 3 साल लगातार खाई आपने? लगातार। ये तो पुराने खिलाड़ी है, आगे रोहतक के, हमारे लिए न्यू है, नई चीज है। मैंने पहली बार पहले तो खाई है, सुनिया तुमने तो नहीं खाई होगी पहले कभी? निधि तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। हमारी चपाती देख लो, चपाती तंदूरी बटर वाली प्रॉपर पकी हुई है, देखने में भी सुंदर लग रही है। रखो जी मेरी, लगाओ लगाओ। अब करते हैं इसको रिव्यू। रोटी तो थोड़ी हैवी है, दाल जैसे बटर डाला था ना खूब भर के, उसी का फ्लेवर आ रहा है। वो दाल का जो मसाला ऊपर से छिड़का था उसने तबाही मचाई है। बढ़िया पॉपुलर है तो डेफिनेटली बढ़िया होगा ही। आप बोलाते हैं ऐसे घर के मेंबर्स जो हमेशा खाते हैं लड्डू की दाल, हमेशा नहीं खाते हम, कभी कभी। हाँ कभी कभी, पुराने खिलाड़ी है मतलब, फीडबैक दे दिया था ऑलरेडी। हाँ तो ये भी एंजॉय कर रहे हैं मामा, बढ़िया मस्त। और सबसे बात ये है कि साफ सुथरे थे अंकल भी, साफ सुथरे थे, बर्तन भी साफ सुथरे थे और दाल भी बड़ी साफ सुथरे थे। तो आप भी जब आए लाइन में लग के मार मिलता, पूरा रश था वहाँ, इतने बड़े बड़े पतीले थे दाल के, और आइटम भी थे, मिन दाल भी बिक रही थी, मिन दाल पे उसका नाम पॉपुलर है। तो मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में।